आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे, कभी मेरी नहीं सुनती। ए, वो खुद की सुनती है ना, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे थोड़ी ना बनना था एथलीट, जिस देश के लिए मेडल जीते ना, उसने एक चुटकी में इतनी जोर से गिराया कि क्रैश हो गया तेरा रॉकेट भानू बहन। बहुत तेज दौड़ती है बचपन से। तेरी जो मेरी माँ है ना, उसने पूरे गांव का ध्यान रखा हुआ। जब मैं प्रतियोगिता में भागने जाऊंगी ना, तो तू उसका ध्यान रखना। क्यों पसंद? एक्चुअली ना, मुझे बचपन से एक फौजी बॉयफ्रेंड चाहिए था, बस बात यही है। I think we can all agree कि इसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ब्लड टेस्ट लेना है रश्मि। आप अंदर से ही सारे कपड़े उतार लीजिए। सारे कपड़े? आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, क्योंकि लड़की कम लड़का ज्यादा है। वैसे रश्मि के बैन का आपको फायदा हुआ होगा ना? देश को हुआ है। At least we don't have a fraud in our team anymore. एसोसिएशन जेंडर टेस्ट के नाम पे काफी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करता है। मैं रश्मि की तरफ से हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी गांव की लड़कियां इस रश्मि की तरह बने। लड़के जैसे कमजोर। रश्मि वीरा ने इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए एक पिटीशन दायर किया। अब मैं खुद से लड़ गई हूं, अब मैं हद से बढ़ गई हूं, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूं। ये लड़ाई उन सब औरतों के लिए है जो एक बेतुके टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। वो सारे एथलीट्स, इस देश की बेटियां, इस कोर्ट से ये उम्मीद तो कर सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो। अब मैं खुद से लड़ गई हूं, अब मैं हद से बढ़ गई हूं, जो चाहे कर ले। सारे मेडल मैंने इस कंट्री के लिए जीते हैं ना, तो जस्टिस भी मुझे यही चाहिए। जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है।